तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक कीवर्ड दिया था जिसको मैंने बताया था कि इसका अनकवर मैं अगले वीडियो में करूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको उसके बारे में पूरे डिटेल में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, जो कीवर्ड मैंने दिया था वो आपको याद होगा, भगवान की फोटो। और ये कीवर्ड मुझे कहाँ से आइडिया लगा, तो बेसिकली मैं अपने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे मैं हमेशा चेक करते रहता हूँ। तो वहाँ पे व्हाट्सएप में स्टेटस में और इंस्टाग्राम पे डीपी पे बहुत सारे ऐसे लोग मुझे दिखे जिसमें कि वो किसी न किसी भगवान की फ़ोटो वहाँ पे लगाते रहते हैं। इवन मेरे कांटेक्ट में मुश्किल से 20-30 लोग होंगे और उन्हीं और उनमें से 4-5 लोगों के स्टेटस में हमेशा भगवान की फ़ोटोज़ रहती है। तो यहाँ से मुझे आइडिया लगा कि जब मेरे कांटेक्ट में इतने कम लोग हैं और इतने लोग ज़्यादा लोग जो हैं वो भगवान की फ़ोटो लगा रहे हैं, तो जो इवन अगर इसको वाइड लेवल पे देखा जाए तो इतने बड़े ऑडियंस में इवन इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि भगवान की फ़ोटो लगा रहे होंगे। और आज के डेट में तो आप समझ ही सकते हो कि धर्म को लेकर के और रिलीजन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा, मतलब हर एक जगह बहुत ज़्यादा वो चीज़ है। बट उसे उसमें मुझे नहीं जाना है कि क्या है क्या नहीं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ पर बात करते हैं अपने बिजनेस की। तो बिजनेस में ये है कि देखो, जो भगवान की फ़ोटो है तो लोग जो है इसको सर्च क्या करते हैं लिख करके, बेसिकली हमारे घर में जो खासकर भगवान की फोटो लगाने वाले लोग वही हैं जो कि मिडिल एज के लोग हैं, ठीक है। तो मिडिल एज के लोग जो हैं वो जनरली गॉड फोटोज या फिर इंग्लिश उतना लिख के सर्च नहीं करते, तो वो जनरली लिख के क्या सर्च करते हैं, भगवान की फोटो, ठीक है। अब ये चीज़ जो है वो आप को ऑब्जर्वेशन से आएगा, अगर आपका ऑब्जर्वेशन पावर सही है तो ये चीज़ आपको क्लिक कर जाएगा। तो लोग जो है यही लिख के सर्च करते हैं, इवन जो भी भगवान होते हैं उनका नाम लिख करके, जैसे शिव भगवान की फ़ोटो, लक्ष्मी माता की फ़ोटो, इस तरीके से लिख करके ये जो है वो सर्च करते हैं। तो इसी के बारे में मैं आपको डिटेल में यहाँ पर दिखाऊँगा कि ये कीवर्ड क्या है, इस पर कितना कंपटीशन है, कितना वॉल्यूम है। तो ये और इस पर अगर आप एक माइक्रो नीच बनाते हो तो आपको कितना ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है और कितना ज़्यादा ट्रैफिक आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आगे चलते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जो भी वीडियोस मैं यहाँ पे लाता हूँ वो बिल्कुल भी मिस ना हो। अब यहाँ पे चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम गूगल पे सर्च करेंगे भगवान की फ़ोटो लिख करके। तो यहाँ पे भगवान की फ़ोटो लिख करके जब मैंने सर्च किया तो यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा जो इस तरीके से फ़ोटो यहाँ पे आ गया, सबसे पहले तो इमेज आ गया। तो लोग जो है सर्च करते हैं इसी तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वेबसाइट्स के नाम पे, यहाँ पे देखो पिंटरेस्ट सबसे ऊपर आ रहा है, जो ड्रीम साइट है ये सबसे ऊपर आ रहा है। मतलब इस पर कोई ब्लॉग ऐसा बना ही नहीं है पर्टिकुलर इस कीवर्ड को टारगेट कर रहा हो, ठीक। अब यहाँ पर और नीचे आप देखेगा, मतलब जो भी इमेज वाली वेबसाइट्स हैं वही है। यहाँ पे एक छोटा एक जो दूसरा, अब यहाँ नीचे चौथे पांचवे नंबर पे जो है कुछ जो वेबसाइट्स जो है वो यहाँ पे आ रही हैं। तो ये भी कोई उतना खास नहीं है, देख रहे हो आप। और यहाँ पे देखो, अब भगवान की फोटो डाउनलोड, कृष्णा भगवान की फोटो, विष्णु भगवान की फोटो, गणेश भगवान की फोटो, ये सजेशन जो है वो गूगल हमें खुद दे रहा है, भगवान की सुंदर फोटो, भगवान की फोटो HD डाउनलोड। तो इस तरीके से गूगल खुद सजेशन दे रहा है। तो ये तो हो गया कि मैंने आपको दिखा दिया कि यहाँ पे कोई भी ऐसी वेबसाइट्स नहीं है जो कि कंपीट कर रही हो, जो कि इसको प्रॉपर टारगेट कर रही हो। तो ये चीज आपने यहां पे देख लिया। अब इस कीवर्ड का रिसर्च करते हैं कि ये कीवर्ड जो है वो कितना ट्रैफिक ला रहा है, कितना ज्यादा इस पे कंपटीशन है। तो यहां पे देखो, सबसे पहले फ्री टूल से स्टार्ट करते हैं, फ्री टूल पे ही मैं आपको बताऊंगा, इवन हर एक फ्री टूल पे बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पे देखो, सबसे जो जेन्युइन है जिस पे हम ट्रस्ट करते हैं वो है RF का फ्री कीवर्ड जनरेटर, जो कि अपडेटेड आपको यहां पे डाटा वॉल्यूम सब कुछ देता है। यहाँ पे सिंपली भगवान की फोटो लिख करके यहाँ पे जो कंट्री है वो हम इंडिया चूज कर लेंगे, यहाँ पे ये इंडिया हो गया। और यहाँ पे फाइंड कीवर्ड हमने कर दिया। अब ये देखो किस तरीके का डेटा यहाँ पे देता है, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब मतलब अब आप देख लो, खुद ही देख के हैरान रह जाओगे कि देखो विष्णु भगवान की फ़ोटो या फिर भगवान की फ़ोटो या फिर कृष्णा भगवान की फ़ोटो, बृहस्पति भगवान की फ़ोटो, शिव भगवान की फ़ोटो। तो ये चीज़ जो है, जो कीवर्ड्स आप देख रहे हो, तो बेसिकली होता क्या है मैं आपको बता दूं कि इवन इंडिया में मतलब लेडीज जो होती हैं हमारे घर में वो फास्टिंग करती हैं, या फिर जो भी है जो भी लोग जो है पूजा करते हैं, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ आप लोगों को पता ही होगा। बट यहाँ पे लोग आज के डेट में ट्रेंड क्या चल गया कि हर एक इंसान के मोबाइल में, हर एक इंसान के हाथ में मोबाइल है, ठीक। स्मार्टफोन सबके घर में है, इवन घर में हमारे मम्मी पापा दादा दादी सब लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग धार्मिक लोग हैं, उनको धर्म, वो लोग जो है पूजा पाठ करते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब किसी कोई भी ओकेजन आता है, फेस्टिवल आता है,
पूजा पाठ होती है, तो वो सबसे पहले करते क्या है, स्टेटस अपडेट कर देते हैं, वह किसी भगवान की फोटो लगा देते हैं। अगर मान लो आज मंगलवार है, तो वो हनुमान जी की फोटो लगा देंगे। शनिवार है तो हनुमान जी की फोटो लगा देंगे। सोमवार है तो शिव भगवान की फोटो लगा देंगे। तो इस तरीके से जो है वो क्या करते हैं, फोटो लगाते रहते हैं। ठीक, तो ये और इस तरीके के ट्रैफिक पूरे ऑल ओवर द इंडिया है। ठीक, इंडिया में लगभग खासकर जो यूपी बिहार और बंगाल और एमपी, मतलब ये सारे जो रीजन है, इसमें अगर आप देखोगे तो काफी लोग ऐसे मिलेंगे। तो मतलब ये मैं एक मैंने आपको बता दिया जनरल परसेप्शन, ठीक है, कि इस तरीके क्या ट्रैफिक है, जो कि आपको इसको हो क्यों, इसको इस पे काम करना चाहिए, क्यों होल्ड करना चाहिए इस चीज़ को, तो ये मैंने बता दिया। बेसिकली इस चीज़ पे इमेज वेबसाइट बनेगी, जो इमेज वेबसाइट की बात होती है। इमेज वेबसाइट में आप लोगों को, बहुत लोगों को कीवर्ड नहीं मिलता होगा, या फिर जनरली जो बताया जाता है वो गुड मॉर्निंग या फिर गुड नाइट या फिर बर्थडे विशेष बताया जाता है, बट ये नहीं बताया होगा किसी ने। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये कीवर्ड किसी ने अभी तक नहीं बताया होगा। तो ये देखो, अब यहाँ पे हो गया, अब इस तरीके से कीवर्ड मैंने दिखा दिया। अब यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी आप देख लो, 1 है। ठीक, कीवर्ड डिफिकल्टी आप देख रहे हो, वॉल्यूम जो है 1.5 के है, अपडेटेड यहाँ पे एक दिन पहले, ठीक है, 20 घंटे पहले 1.3 के है। भगवान की फोटो पे 0 कीवर्ड डिफिकल्टी है, मतलब आप अगर इस पे ब्लॉग स्टार्ट करते हो तो विद इन 24 आवर्स में आप रैंक कर जाओगे, समझ रहे हो। अगर यहाँ पे 10 पोस्ट 20 पोस्ट यहाँ पे लिख देते हो, और उसमें अच्छा खासा 10 20 जो है भगवान की फोटोज आप डाल देते हो, इवन उसको टारगेट भी कर लेते हो कि ये मतलब कोई एक पर्टिकुलर, मान लो सिर्फ शंकर भगवान पे बना दिया या फिर सिर्फ महावीर जी पे बना दिया, तो अगर इस तरीके का सिर्फ एक पर्टिकुलर निच भी टारगेट कर लेते हो, माइक्रो निच भी डाल देते हो, तो वो और जल्दी रैंक करेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो इस तरीके से, अब कीवर्ड डिफिकल्टी आप देख रहे हो 0 0 मिलेगा कीवर्ड डिफिकल्टी, और यहाँ पे मतलब वॉल्यूम भी आपको यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे देखो फोटो जो कीवर्ड है वो आपको मिलते जाएगा, जैसे गणेश भगवान की फोटो, भगवान की फोटो, बद्रीनाथ भगवान की फोटो, शंकर भगवान की फोटो, तो इस तरीके से देख रहे हो कि मतलब कीवर्ड भी आपको आसानी से मिल जाएगा। ये हो गया, अब ये तो मैंने कीवर्ड जनरेटर में आपको बता दिया, रिसेंट डेटा बता दिया। अब यहाँ पे हम चलते हैं सेमरस में, सेमरस में यहाँ पे हम जो है कीवर्ड रिसर्च कर लेते हैं। जनरल जो भगवान की फोटो है, अगर आप चाहो तो माइक्रो निच में अगर जाना है तो किसी पर्टिकुलर एक भगवान को पकड़ो और उसकी फोटोज़ पे यहाँ पे सर्च कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं जनरल आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने भगवान की फोटो डाल करके यहाँ पे सर्च किया, अब देखते हैं कि इस पर क्या डेटा आता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो कीवर्ड ओवरव्यू भगवान की फोटो में इंडिया में 22.2 के यहाँ पे वॉल्यूम है, आप देख सकते हो। मतलब अब ये क्या, यहाँ पे 22.2 के वॉल्यूम यहाँ पे इंडिया से ऐसे, और यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी 31% है, मतलब इजीली आप रैंक कर जाओगे। ठीक है, सिर्फ 31%, यानी कितना ज़्यादा सिंपल है इसको रैंक करना। ठीक, अब यहाँ पे आप देखो, और एक चीज़, यहाँ पे आप अफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो, जैसे कि अमेजन से बुक्स उठा करके, या फिर जैसे कि भगवत गीता हो गया, रामायण हो गया, या फिर भगवान की फ़ोटो जो होती हैं फ्रेम में मढ़ा जो होता है, जो कि अमेजन पे मिलता रहता है, तो सिंपली आप उन सब चीज़ों को भी यहाँ पे प्रमोट कर सकते हो। साथ में पूजा की जो हवन सामग्री होती है, पूजा के जो लिस्ट होते हैं, जैसे कि पूजा में जो जो सामान लगता है, घर में जो आदमी, घर में जो लोग पूजा करते हैं उनको, जैसे कि अगरबत्ती चाहिए, धूप चाहिए, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं पूजा के लिए, तो वो सारे चीज़ अमेजन पे आपको लिस्ट मिल जाएंगे। उन सभी चीज़ों का भी यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग आप कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा यहाँ पे कमा सकते हो। ठीक, अब यहाँ पे देखो, और भी यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। अब जैसे विष्णु भगवान की फोटो, इस पे 9.9 के वॉल्यूम है, और कीवर्ड डिफिकल्टी आप देख सकते हो 27 है। शंकर भगवान की फोटो 6.6 के वॉल्यूम है, 20 यहाँ पे जो है वो कीवर्ड डिफिकल्टी है। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा, मतलब कितना सिंपल है। ठीक है, मतलब एकदम यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी है ही नहीं, और आपको ट्रैफिक भी यहाँ पे भर भर के मिलने वाला है। ठीक, और माइक्रो नीच है तो आप मतलब आराम से यहाँ पे रैंक कर जाओगे। और आप देखोगे तो यहाँ पे अगर वेबसाइट देखोगे तो कोई भी ऐसा वेबसाइट नहीं है जो आपको मतलब यहाँ पे इस चीज़ पे काम कर रहा हो। ठीक, तो यहाँ पे मतलब बहुत मैंने जो जब इसको एनालाइज किया तो काफ़ी मुझे बेहतरीन लगा। अगर कोई भी इमेज वेबसाइट अगर इस पर बनाना चाहता है तो आसानी से बना सकता है। मैं खुद ही शुरू कर रहा हूँ इस पर, तो मैंने सोचा कि आपको भी बता दूँ। मैं जो भी चीज़
खुद सोच सर्च करता हूँ, वो तुरंत आपको बता देता हूँ। मैं उस पर मतलब रिजल्ट लेने का देने का इंतजार नहीं करता हूँ। बेसिकली अब यहाँ पे ट्रेंड ये चल गया यूट्यूब पे कि बिना रिजल्ट देखे कोई भरोसा नहीं करता, बिना रिजल्ट देखे किसी को मोटिवेशन नहीं आता, बिना रिजल्ट देखे कोई अब बिलीव नहीं करता, काम नहीं करना चाहता। तो भाई अब ये सारी चीज़ें जब आपको रिजल्ट देखना है तो आप रिजल्ट देखते रहो, जो रिजल्ट दिखाते हैं आप वहाँ पे चले जा सकते हो। मेरे पास है जो सीधा है कि मेरे पास जो चीज़ें आती है मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, जब मेरे पास रिजल्ट आएगा मैं वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। जब भी रिजल्ट आता है वो भी दिखाता हूँ रिजल्ट जब, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ ताकि मैं भी काम करता रहूँ और साथ साथ आप भी काम करते रहो, और जो जैसे काम करना है क्या करना है वो भी मैं बता देता हूँ। तो ये भाई मेरे अपने जो ये जो है वो मेरा अपना थीम है, मैं ऐसे काम करता हूँ, बाकी लोग जैसे काम करते हो अब पूरी दुनिया उसी के पास भागती है, जो कि जहाँ दिखता है कहते हैं ना, जहाँ जो दिखता है वही बिकता है। तो यहाँ तो बेसिकली दिखने वाली चीज़ों पे ही लोग भरोसा करते हैं। तो इट्स ओके, इट्स योर चॉइस, आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। आपको मैंने दिखा दिया, अब सिंपली मैं और भी अगर और ज़्यादा आपको कीवर्ड यहाँ पे चाहिए तो सिंपली आप चले जाओ गूगल, सिंपली आप चले जाओ गूगल के कीवर्ड प्लानर जो बिल्कुल फ्री है, और यहाँ पे आप जो है भगवान की फ़ोटो लिख करके सर्च कर लो, ठीक। तो भगवान की फ़ोटो लिख करके और यहाँ पे लोकेशन इंडिया ही होना चाहिए, तो ये लिख करके जब आप सर्च करोगे तो आपको और ज़्यादा कीवर्ड यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। और यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो कीवर्ड भगवान का फ़ोटो, कृष्णा भगवान की फ़ोटो, कृष्णा भगवान का फ़ोटो, शंकर भगवान का फ़ोटो, और सब पे अगर आप देखोगे तो ये कीवर्ड आप देख सकते हो सब पे। अगर मंथली सर्चेज अगर आप देखोगे तो 10K से 100K, 10K से 100K, 10K से 100K, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपटीशन देखो बिल्कुल लो है। यहाँ पे भी कंपटीशन अगर आप देखोगे तो हर एक कीवर्ड पे आपको कंपटीशन लो ही मिलेगा। देखो सूर्य भगवान की फ़ोटो, राम भगवान की फ़ोटो, विष्णु भगवान जी की फ़ोटो, शिव भगवान की फ़ोटो, तो इस तरीके से आपको और भी कीवर्ड आइडियाज यहाँ से मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो सिंपल कितना सिंपल कीवर्ड है और कितना ज़्यादा यहाँ पर आपको सर्च रिजल्ट भी अच्छा खासा है, यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा खासा मिल रहा है, कंपटीशन भी लो है, और सीपीसी आपको यहाँ पे मिल ही जाएगा। चूंकि इंडिया में हो तो आपको सीपीसी बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, बट अगर आपका ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आता है, मान लो ट्रैफिक अगर आपका डेली का 10,000 ट्रैफिक आता है और उसमें अगर 1,000 भी क्लिक्स आए तो आपके डेली के 10 से 15 ड�$, $20, इवन $100 तक भी बन सकते हैं, ठीक है, डेली के। तो ये मतलब अब डिपेंड करता है कि आप ट्रैफिक कितना जल्दी रैंक करते हो, कितना ज़्यादा ट्रैफिक लेके आते हो, माइक्रो नीच पे काम करते हो या फिर बहुत सारा नीच पे, बहुत सारा मतलब जिस तरीके से भी काम करो, जैसे भी रैंक कराओ, अगर ये चीज़ आप कर जाते हो और ट्रैफिक लेके आते हो, तो अगर आपको 0.01 भी अगर सीपीसी मिलता है सबसे मिनिमम, तो भी आप डेली का $10 तो कमा ही सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा डिटेल है फ्रेंड्स, आई होप कि यह वीडियो, तो फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा डिटेल है इस कीवर्ड के बारे में, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। और इसमें मैंने जो कीवर्ड बताया वो काफ़ी बेहतरीन कीवर्ड है, आप काम करना शुरू करो और आपको रिजल्ट खुद ही मिलने लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये कीवर्ड ही ऐसा है कि किसी ने इसी को टारगेट किया ही नहीं है। तो अगर आप काम करना शुरू करोगे अभी से तो इस पे आपको रिजल्ट जल्दी से जल्दी मिलेगा और आराम से आप, और ये एक तरह का माइक्रो निच भी है, तो आराम से आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा और अच्छा खासा आप यहाँ पे अर्निंग करना शुरू कर दोगे। और इमेज वेबसाइट है तो काफ़ी बेहतरीन, इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा बस आपको फोटोज़ उठा करके गूगल से या फिर अपना बना करके आपको लगा देना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।